ये रिटर्न जाने वालों की लाइन है पूरी इतनी लंबी वहां तक। तो यहाँ तक तो आपने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया था, उसके बाद की जर्नी बताते हैं कैसे हमने शो किया और कहाँ गए। और हमको यहाँ से लेफ्ट लेके वहाँ जाना है, फिर वहाँ से बस या टमटम मिलेगा, वहाँ से जाएंगे हम बस में या टमटम में अलीबाग के भी आगे रेव डांडा। तो ये कार में जाना था इन मैडम को, लेकिन मैंने बोला अभी हम बूढ़े नहीं हुए हैं, भले ही हमारे पास ज़्यादा बैग्स हैं लेकिन बूढ़े थोड़ी ना हुए अपन, चलो चल सकते इतना तो। यहाँ पे क्या क्या एडवेंचर होते देखना पड़ेगा, पैरासेलिंग होती होगी शायद, जेट स्की होती है। ओके ये इतना बड़ा क्यों है, ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट आए हुए हैं। पार्किंग है ये। पार्किंग है, अच्छा ये बच्चों का खेलने के लिए, झूल रहे हैं बच्चे यहाँ पे। बनियान ट्री हर जगह होता है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है बनियान ट्री। इसका जो स्ट्रक्चर और रूट सिस्टम होता है मस्त लगता है। टैक्सी का पूछा तो भाई रेव डांडा तक 1500 रुपये बोल रहा है, तो बहुत महंगा है, देखते हैं। इससे हमको जाना है अलीबाग तक सेम टिकट से, चलो। हाँ अरे चल चल, ये चढ़ रहे हैं लोग, हमको भी इसमें ही जाना है। अलीबाग तक तो पहुँच ही जाएंगे, अलग से टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा मशक्क़त हो गई बस में पकड़ने में बैठने में, तो बहुत दचके भी काफ़ी है। तो यहाँ पूरे रास्ते पर हरियाली थी, मस्त हरियाली थी, मुंबई में ऐसी हरियाली नहीं मिलती, घर के बाहर भी हरियाली थी। यहाँ देखो सही था एकदम मस्त लोकेशन। आज 31st है 2021 की और हमको कोई नहीं पहचानता, बट एक दिन आएगा। अरे बंद नहीं कर दिया गाना, क्या टैलेंट है। ओए ओए हिलिया, अरे यार अलीबाग तक तो आ गए, उसके बाद रेव डांडा जा रहे थे, तो ये सब भाई बहन लोग मिल गए यहाँ पे, इनके साथ ही कॉम्बो करके हम जा रहे हैं। ऐसे अकेले तो ठग लेते हैं यहाँ पे, तो ग्रुप बन गया एक, हम 20 लोग हो गए टोटल, तो अभी जाते हैं साथ में। बस पहुँचने वाले हम थोड़ी देर में, पता नहीं कहाँ कहाँ गलियों में है यार ये तो। इधर आओ, राइट लेफ्ट आओ, ओ भाई आते आते थक गए थे वैसे भी, और यहाँ पे एकदम अंधेरे वाला रास्ता। हाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं, पता नहीं कहाँ जंगल में है ये। फाइनली हमको टेंट वाइजा पे मिल गया है, और बहुत मस्त प्लेस है यार ये। यहाँ पे पब्लिक भी बढ़िया, डिसेंट पब्लिक दिख रही है मुझे तो, जितने भी सब दिख रहे हैं। और हमको फाइनली हमारा टेंट अलॉट हो गया है ये वाला, इतना सारा सामान हम ढो के ला रहे थे, 3-4-5 bags। तो टेंट बाय द बे कैसा है, इसका जो मेन गेट है वो किले का गेट है, एकदम पुराने जो पत्थर का बनता था ना, काले पत्थर का, और चारों तरफ इसके बाउंड्री है, ये देखो ऐसी बाउंड्री है, खड़ा होगा इतनी हाइटेड बाउंड्री है चारों तरफ इसकी, और एक गेट है बाहर, वो दिख नहीं रहा है अंधेरे में कैमरे में, बट मस्त है जो भी है यहाँ। बाउंड्री वॉल इतनी ऊंची है कि हवा नहीं आ रही अंदर नेचुरल, नहीं तो गर्मी लग रही है थोड़ी, नहीं तो हमने सोचा था कि ठंडा लगेगा, लेकिन ठंडा नहीं लग रहा है, गर्म लग रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। नहा के आ गई, अरे नहा के कहाँ नहा ली भैया, वॉश बेसिन में नहा ली। रेव डांडा में मैंने जितने भी देखे हैं सबसे अच्छा मुझे यही लगा, हम अभी घूम रहे थे ना ढूंढने के लिए, तो अंदर से सारे देखे तो सबसे अच्छा यही वाला है, टेंट बाय द बे। तो ये लोग तो अभी मस्ती डांस किए जा रहे हैं, 10 बज चुके हैं, तो पूछ के आते हैं ऑर्गेनाइजर से कि कब स्टार्ट करना है भैया गाना, तो 10:30 बजे तक स्टार्ट करने का बोल रहे हैं। तो यहाँ खाना लग गया तो फटाफट पहले खाना खा लेते हैं, नहीं तो फिर गाते नहीं बनेगा। फटाफट खा लो, क्या मैं तो दाल चावल खाऊंगा बस अभी, और कुछ नहीं खा रहा। अच्छा नॉर्मल घर जैसा खाना है, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, इसको सोल कड़ी बोलते हैं। सोल करी में क्या होता है, कोकोनट मिल्क से बनता है और उसमें कोकम डाला हुआ है। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, किसका मेन एंट्री है इधर, मस्त फोर्ट है, गिर मत जाना। फोन गिर गया, वाह फोन गिरा दिया। अरे
और जोर से दूं? जोर से नहीं, मैं गिर जाऊंगी अभी। मजा आएगा? नहीं बिल्कुल, धूल का स्वाद चख लोगी। ठंड हो गई अब थोड़ी थोड़ी, मजा आ रहा है अब। ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार, बेगरस तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार। थैंक यू, थैंक यू। उसको मिल जाए क्या पता, क्या है ये सिलसिला, जानना मैं जानना, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। तू जो छोटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अब ना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही बजा तेरे बिना, बेवजह बेकार हूँ मैं। काफ़ी अच्छा डिसीजन था मेरा, न्यू ईयर का पार्टी मैंने यहाँ कैंपिंग साइट पे किया। 12 बज गए थे लेकिन ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो मैं भी गाता चला गया। ऐसी 2 बज गए रात में। Yeah.
मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी चुन्निया सजा के वो देती वादे करके मायरी मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी हरे उसकी बात मायरी आप ही हसदी मायरी आप ही रोंदी मायरी याद वो आयरी गल्ला कर दी मायरी अख नाल लड़दी मायरी याद वो आयरी क्या करूं कैसे कहूं। तो ऐसे ही गाने और गाता रहा मैं। रात के 1:30-2 बज गए थे और मैं पूरी तरह से थक गया था, क्योंकि ये जो नीचे की धूल है मिट्टी ज़मीन पर वो उड़ उड़ के मेरे गले में और नॉस्ट्रल में ऐसी जम गई थी और गाते ही नहीं बन रहा था मुझसे। रात के हो रहे हैं 2:40 और अभी ये लोग डांस करने में तुले हैं, सो ही नहीं रहा कोई भी यार। गले की बैंड बज चुकी है, गला पूरा ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गया गले का। जाते हैं, सोता हूँ मैं, ये सब तो डांस करते रहेंगे शायद रात भर। मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट।